अध्यात्म चिंतन धारा इस YouTube चैनल पर आप सभी सुधी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम गुरुजी डॉक्टर सुरेंद्रनाथ द्विवेदी जी के साथ प्रश्नोत्तर अंक के साथ उपस्थित हुए हैं। इस अंक में हम गुरुजी से उन प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे जो श्रोताओं ने हमें WhatsApp या ईमेल आदि माध्यमों से प्रेषित किए हैं। गुरुजी हमारे बीच उपस्थित हैं, आइए विलम्ब न करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हरिओम। आज के इस प्रश्नोत्तर कार्यक्रम के लिए पहला प्रश्न श्री श्रवण कुमार अवस्थी, जो कि फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, उनका ले रहा हूँ। उनका प्रश्न यह है कि हम सब सदैव प्रभु के समक्ष याचक बने रहते हैं, क्या प्रभु से याचना करना उचित है या हमारे इष्ट के साथ हमारा संबंध याचक से कुछ भिन्न होना चाहिए? हरिओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरिओम। आइए अनुराग जी, ये जो पहला प्रश्न है इस पर थोड़ा विचार करते हैं। हम भगवान के सामने याचक क्यों बने रहते हैं? हम भगवान के सामने याचक इसलिए बने रहते हैं क्योंकि हमने संसार को अधिक महत्व दिया हुआ है। एक ओर संसार है और दूसरी ओर भगवान है। संसार से केवल हमारे शरीर का नाता है, भगवान से हमारा नाता है, क्योंकि हम अंश हैं और परमात्मा अंशी है। सो यह जो अंश है यह तो उसी का हिस्सा है जिसे भगवान कहते हैं। यह जो संसार है ये माया है। माया शब्द का अर्थ होता है जो नहीं है, है नहीं लेकिन दिखाई दे रहा है। अब कैसे नहीं है इसकी बात हम अलग से कभी जब मायावाद पर चर्चा करेंगे तब करेंगे, लेकिन हमने संसार को इतना महत्व दे दिया हुआ है कि हम भगवान के पास भी जाते हैं तो भगवान से नहीं मिलते, हमारे बीच में माया आ जाती है, संसार आ जाता है। भगवान से हमारा नाता है, यह जो संसार है ये उस नाते से हमें दूर कर देता है, भगवान से दूर कर देता है। निश्चित रूप से अगर आवश्यकता ही है तो उत्तम बात तो यह है कि हमें जिस चीज की आवश्यकता है वो सब कुछ हमें भगवान ने दिया है। संसार का एक साधारण पिता भी अपने पुत्र की आवश्यकताओं पर विचार करके उसे वह सब कुछ देने का प्रयास करता है जिसकी उसे आवश्यकता है। भगवान तो जगत पिता है, तो जो जगत पिता है वो अपनी संतानों को क्या नहीं देना चाहेगा। सो भगवान से उत्तम बात तो यह है कि भगवान से भी कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्या भगवान को पता नहीं है क्या? और यदि भगवान को पता है, भगवान सर्वज्ञ हैं, माने वो सब कुछ जानते हैं, और जो सब कुछ जानता है वो ये भी जानता है कि किसमें हमारा हित है और किसमें हमारा हित नहीं है। ना देवर्षि नारद ने भगवान से कहा कि जय विधि होए नाथ हित मोरा करिए सुबेग दास में तोरा, महाराज जिससे प्रकार से मेरा हित हो आप वैसा करो,
भगवान ने थोड़ा सा और आगे बढ़ करके उन्होंने कहा, देवर्षि तुमने तो केवल मांगा है अपना हित, जेहि विधि होई ही परम हित नारद सुनो, तुम्हार सोई हम करब, मैं तुम्हारा परम हित करूंगा, बात खत्म। नारद जी इसके आगे कहते हैं, ये तो पूछ जरा सुन लो कि मेरा हित किस में है। अब भगवान ने कहा, क्या ये भी बताना पड़ेगा? नारद जी ने कहा, महाराज आपन रूप देहु प्रभु मोही, आप अपना स्वरूप मुझे दे दीजिए। यही गड़बड़ हो गया, आन भात नहीं पावो ओही। अब नारद जी चले विवाह करने के लिए, किससे? भगवान की माया से। भगवान है पिता और ये जो माया है ये है माता। जैसे एक छोटा बालक विवाह के लिए कभी कभी मचल जाता है और उससे पूछा जाए तुम किससे विवाह करोगे, तो वो कह देता है कि कई बार अपनी माँ की ओर उंगली उठा देता है कि इनसे विवाह करूंगा। नारद जी को पता नहीं था क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए। हमें भी नहीं मालूम हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए। हम भगवान से संसार मांगते हैं, सो संसार में बने रहते हैं, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संसार के चक्र में से बाहर नहीं निकल पाते। इसीलिए जो उच्च कोटि के संत हैं, उच्च कोटि के भक्त हैं, वो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते, भगवान से केवल भगवान को मांगते। महाराज मनु के सामने विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, मांगो वर, सबने कहा मांग लो कुछ मांग लो, बोले ना ना आपसे कुछ नहीं चाहिए। अब अंत में भगवान आए और जब भगवान आए तो महाराज मनु ने भगवान से क्या मांगा? भगवान से भगवान को मांगा। जो भगवान से भगवान को मांगता है ऐसा पुत्र जो केवल और केवल अपने पिता की सेवा करता है और पिता से कभी कुछ मांगता नहीं है, एक संसार का साधारण पिता जिससे केवल स्वार्थ का संबंध है, वह भी अपने ऐसे प्रिय पुत्र को सब कुछ दे देना चाहता है। हम तो भगवान के अंश हैं, सो भगवान में सामर्थ्य भी है, भगवान देते भी हैं, भगवान से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर बिना मांगे काम ना चले तो फिर भगवान से ही मांगना चाहिए, भगवान को छोड़कर किसी और से नहीं मांगना चाहिए। जो चार प्रकार के भक्त हैं उनमें एक भक्त अर्थार्थी भी है। अर्थार्थी का अर्थ होता है जो धन संपत्ति की याचना करने के लिए भगवान के पास जाता है, तो ऐसा व्यक्ति भी भगवान का अंश है और किसी प्रकार से जैसे भी हो वैसे भगवान से जुड़ना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। मांग करके भी भगवान से जुड़ सकते हैं, जैसे पतिव्रता स्त्री किसी और की अपेक्षा नहीं करती, उसका पति उसे जिस अवस्था में रखे वह उसी अवस्था में रहना पसंद करती है, इसी प्रकार से भगवान का सच्चा भक्त भी यही पसंद करता है। हरिओम। गुरुजी अगला प्रश्न है, क्या सुव्यवस्थित घर परिवार संतान समृद्धि और यश आदि से प्राप्त होने वाला आनंद ही परमानंद है, अथवा परमानंद इन सब भौतिक विषयों के आनंद से भिन्न है? ये जो परिवार के द्वारा बच्चों के द्वारा साधनों के द्वारा संपत्ति के द्वारा मिलने वाला है ये आनंद नहीं है, ये सुख है। माने संसार से जो मिलता है वो सुख है, बाहर से जो मिलता है साधनों से जो मिलता है ये सुख है, जहां से सुख मिलता है वहीं से दुख भी मिलता है, जिस वस्तु से सुख मिलता है उसी से दुख मिलता है। अब देखो एक उदाहरण है, महाराज श्री दशरथ जी को सबसे अधिक सुख महारानी कैकेयी के महल में मिलता था, सबसे छोटी रानी थी, सो सबसे ज्यादा दुख कहां से मिला? सबसे ज्यादा दुख भी वहीं से मिला। जिन संतानों के द्वारा हमें सुख की प्राप्ति होती है उन्हीं संतानों के बीमार हो जाने पर दुखी हो जाने पर हम दुखी हो जाते हैं, उनका दुख हमारे में संक्रांत हो जाता है। सो संसार से हमें सुख मिलता है, जहां से सुख मिलता है वहां से दुख भी मिलता है, ये गारंटी है।
संसार में रहोगे तो सुख भी मिलेगा दुख भी मिलेगा, सुख कम मिलेगा दुख ज्यादा मिलेगा। और यह जो परमानंद है, देखो ये जो बाहर से मिलता है इसे कहते हैं विषयानंद, विषयों से प्राप्त होने वाला। परमानंद हमें अंदर से मिलता है। जब बाहर का संसार केवल बाहर रह जाता है, हम अपनी सारी इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को बाहर से समेट करके अपने में स्थिर कर लेते हैं तो हमें शांति मिलती है। और जब इन्हीं इंद्रियों को, इसी मन और बुद्धि को हम अपने अंदर ले जाते हैं समाधि के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, भगवान के नाम के जप के माध्यम से, जब हम अंदर की यात्रा करते हैं तो हमारे आनंद की शुरुआत होती है। बाहर से मिलने वाला सुख, अंदर से मिलने वाला आनंद। सुख घटता बढ़ता है, आनंद केवल और केवल बढ़ता ही है, कभी फिर घटता नहीं है। वो सुख और दुख परिस्थिति सापेक्ष होता है। परिस्थितियां अनुकूल तो सुख, परिस्थितियां प्रतिकूल तो दुख। अंदर की परिस्थितियां कभी प्रतिकूल होती ही नहीं है, क्योंकि उन्हें बाहर से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए हमारे ऋषियों के पास कुछ नहीं था, वो एक झोपड़ी में रहते थे, लेकिन उनके जीवन में इतना आनंद था, इतना आनंद था कि जो उनके निकट बैठ जाता था वह भी आनंद से विभोर हो जाता था। बाहर से मिलने वाला सुख, साधनों से मिलने वाला सुख, और जब हम साधनों को छोड़ देते हैं, अपने मन को बाहर से अपने में स्थिर कर लेते हैं तो हमें शांति मिलती है। और यही हमारा मन और बुद्धि जब अंदर की यात्रा करते हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद शाश्वत है, सदा रहने वाला है, एक रस रहने वाला है, निरंतर बढ़ने वाला है। सुख और दुख तो बहुत तुच्छ वस्तुएं हैं। सुख की अभिलाषा तभी तक होती है जब तक व्यक्ति ने अंदर की यात्रा नहीं किया। हरि ओम। अगला प्रश्न है गुरुजी, राक्षसीय प्रवृत्ति के व्यक्तियों को साध्वी स्त्रियों का साथ मिला, इसके पीछे क्या कारण रहा? यद्यपि वे स्त्रियां स्वयं राक्षसी प्रवृत्ति का शिकार तो नहीं हुई, लेकिन अपने पतियों के व्यवहार में भी कोई परिवर्तन नहीं ला सकी, फिर इस साथ का क्या प्रयोजन था? कर्म सिद्धांत बड़ा विचित्र है अनुराग जी। भगवद गीता में लिखा हुआ है कि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी विचित्र है। इसे समझ पाना किसी के वश की बात नहीं है। केवल भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुनो, अर्जुन मेरे और तेरे बहुत सारे जन्म बीत गए हैं, तान्यहम वेद सर्वाणि, उन सारे जन्मों को मैं जानता हूं। न तुम वेत्थ परंतपो, हे परंतप, हे अर्जुन, तुम नहीं जानते। सो भगवान तो जानते हैं, हम नहीं जानते कि हमारे पिछले कितने जन्म बीत चुके हैं और किन किन जन्मों में हमने कौन कौन से कर्म किए, जिन कर्मों का फल हमें प्राप्त होता है। अब यह जो परस्पर संयोग है पति पत्नी का, जैसे उदाहरण के लिए रावण की पत्नी मंदोदरी, रावण का चरित्र देखिए, रावण का व्यवहार देखिए, रावण का आचरण देखिए और मंदोदरी का चरित्र देखिए, मंदोदरी का आचरण देखिए और व्यवहार देखिए। मंदोदरी ने रावण को इतनी बार समझाया, इतनी प्रकार से समझाया, कोई ऐसा अवसर नहीं मिला, नहीं उसने छोड़ा जब मौका मिला हो और मंदोदरी ने रावण को न समझाया हो। साथ में तो हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पति पत्नी के रूप में साथ में रहते हैं, पति का आचरण अलग है और पत्नी का आचरण अलग है, और कई बार ध्रुव विरोधी आचरण है, जो एक का आचरण है वो दूसरे का है ही नहीं, एक सतोगुणी है और दूसरा तमोगुणी है, रावण तमोगुणी है, मंदोदरी का आचरण वैसा नहीं है। सो यह जो स्थिति है, यह जो सम्मिलन है, यह तो कर्म की विचित्रता के कारण है। रावण ने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए, इस जन्म में नहीं कर रहा है, लेकिन पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के कारण उसे अच्छी पत्नी मिली,
पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के कारण वह लंका का अधीश्वर है, और केवल लंका का अधीश्वर ही नहीं है। गोस्वामी जी महाराज तो लिखते हैं कि मंडलीक मन रावण राज करे निज मंत्र। वो लंका का राजा तो है ही, उसकी एक छावनी दंडकारण्य में है, भारतवर्ष में, जहां खरदूषण 14,000 राक्षसों को लेकर के रहते हैं। तो जरा उसका वैभव तो देखिए। करजोरे सुर दृष्टि पे विनीता, ये कर्म का सिद्धांत है, कर्म की विलक्षणता है। सो उस कर्म की विलक्षणता के कारण ये पति पत्नी का, पुत्र का, पुत्री का, ये सारे संयोग बनते हैं, और इन संयोगों के साथ व्यक्ति को जीवन निर्वाह करना पड़ता है। जिसका जैसा कर्म उसका वैसा फल भोग। हरिओम। अगला प्रश्न गुरुजी फरुखाबाद से श्रीमती इंदु जी का है। वो लिखती हैं कि निष्काम भक्ति और सकाम भक्ति में क्या अंतर है। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखो, दोनों भक्ति हैं, दोनों में शब्द ही अपना अर्थ दे रहे हैं। सकाम भक्ति का अर्थ है जिसमें भक्त के मन में भगवान से कुछ पाने की इच्छा है, लेकिन विशेषता यह है कि वो केवल भगवान से चाहता है और किसी से नहीं चाहता। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, जग जाचिय को न, जग जाचिय को न जाचिय तो एक जाचिय जान की जान ही रे। उन्होंने कहा कि संसार में किसी से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। किसी व्यक्ति ने कहा, बाबा बिना मांगे काम चलता नहीं है, तो मांगना तो पड़ता ही है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अगर मांगना ही है तो भगवान से मांगो। व्यक्ति ने कहा कि क्या फर्क पड़ता है, हमारी इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए, चाहे संसार से हो चाहे भगवान से हो। संसार से मांगेंगे तो भी मिलेगा और भगवान से मांगेंगे तो भी मिलेगा। गोस्वामी जी ने कहा, नहीं, दोनों में बहुत अंतर है। संसार से मांगोगे तो जिंदगी भर मांगते रहोगे, और भगवान से मांगा और भगवान ने कहीं एक बार दे दिया तो फिर इस जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतर की दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। सुदामा जी तब तक दरिद्र थे, अंदर से भी और बाहर से भी। यद्यपि अंदर से उनके मन में कोई अभिलाषा नहीं थी, क्योंकि उनका एक विशेषण बताया गया है, ब्रह्म वित्तमः। लेकिन एक बात तो थी कि उनके परिवार में जब बालकों को भोजन नहीं मिलता था, पत्नी दुखी होती थी, तो थोड़ा सा वो भी दुखी हो जाते थे। दूसरों के दुख से, जो हमारा परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनके दुख से भी हम दुखी होते हैं। लेकिन जब वही सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गए, तब अब उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख, कोई दरिद्रता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा नहीं रही। इसीलिए सुदामा जी की पत्नी ने कहा था कि संसार से हो सकता है आप मांगने में संकोच करें, भगवान से मांगने में कौन सा संकोच। सुदामा जी परम तपस्वी थे, सो उन्होंने कहा, मैं ना संसार से मांगूंगा ना भगवान से मांगूंगा। सुशीला ने कहा, एक बार आप हो आइए उनके पास, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उन्हें तो सब मालूम है। यह सुशीला क्यों भेजना चाहती है सुदामा जी को, इसलिए भेजना चाहती है क्योंकि सुदामा जी के अंदर अभी भी एक सात्विक जो अहंकार है कि मैं किसी से नहीं मांगूंगा, इस अहंकार को तोड़ना चाहती है। भगवान के पास गई, भगवान ने प्रेम भी दिया और जो कुछ दिया वो सबको मालूम है। सो भगवान से ही मांगना चाहिए अगर मांगना हो, ये कहलाती है सकाम भक्ति। निष्काम भक्ति में भक्त भगवान से भी नहीं मांगता। भगवान से न मांगने का कारण है क्योंकि जिसे न मालूम हो उससे तो मांगा जाए, भगवान ऐसा क्या है जो नहीं जानते। वो बाहर का भी जानते हैं और अंदर का भी जानते हैं, माने हमें किस वस्तु की आवश्यकता है ये भी जानते हैं। महाराज, मनु के हृदय में वैराग्य नहीं हो रहा है, होए न विषय विराग, तो भगवान जानते हैं अच्छी तरह से कि अभी विषयों को भोगने की इच्छा है। इसलिए महाराज, मनु और शत्रुपा जब तपस्या करते हैं, तो तपस्या करने के बाद भगवान क्या कहते हैं,
महाराज मनु ने तो केवल इतना ही मांगा था कि आप बस चाहो तुम्हारी समान सुध। भगवान कहते हैं वो तो गारंटी, लेकिन उसके पहले कुछ मैं भी देना चाहता हूं। महाराज आप क्या देना चाहते हैं? बोले अब तुम मम अनुशासन मानी बसहु जाए सुरपति राजधानी। अब आप जाओ इंद्रलोक में, तहां करी भोग विशाल। वहां जाके क्या करें? बोले वहां पर अब स्वर्ग के दिव्य भोगों को भोगो। स्वर्ग के दिव्य भोग तो बहुत विलक्षण है, क्योंकि न तत्र तुम न जरिया विवेति। स्वर्ग के व्यक्ति को इस संसार में जो सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का, वो नहीं होता। देवताओं की जितनी आयु होती है उतने वर्ष तक उन्हें कोई मार नहीं सकता, इसलिए उन्हें अमर कहते हैं। और उनके शरीर में बुढ़ापा नहीं आता, उनके शरीर में कोई रोग नहीं होता, और भोगों को भोगने की अपरिमित क्षमता होती है। सो महाराज मनु चाहते क्या थे? होए ना विषय विराग। विषयों से वैराग्य नहीं हुआ तो भगवान ने कहा पहले जाकर के तहां करी भोग विशाल, भोगों को भोगो। जैसे एक पिता, सुनकर के ऐसा लगता है जैसे एक पिता अपने पुत्र को सब कुछ देना चाहता है, जो तेरे मन में है वो भी दूंगा और जो तू नहीं चाहता है वो भी दूंगा, जो तेरे कल्याण का होगा वो भी मैं दूंगा। भगवान इस प्रकार से महाराज मनु को देते हैं। सो जो जो व्यक्ति भगवान से मांगता है उसे तो वो देते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भक्त हैं जो भगवान से कुछ नहीं मांगते, भगवान से भी नहीं मांगते, तो क्या उन्हें भगवान नहीं देते? उन्हें भी भगवान देते हैं। कोई बालक है वो केवल मन वचन और कर्म से अपने पिता की सेवा करता है और अपने पिता से कभी कुछ नहीं मांगता, तो क्या अपने ऐसे बालक की आवश्यकता को पिता पूरा नहीं करता? तो भगवान तो सामर्थ्यवान भी हैं, परम उदार भी हैं। गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं कि ऐसो को उदार जग माही। भगवान जितने उदार हैं इतना उदार संसार में और कोई नहीं है, तो उनमें कोई कृपणता तो है नहीं, कम देने की भावना तो उनमें है नहीं, और उनके पास कम भी नहीं है, और वो जितना दे देते हैं उस देने से उनके अंदर कमी भी नहीं हो जाती कुछ। संसार में तो अगर व्यक्ति देगा तो उतना उसका कम हो जाएगा। भगवान की एक विशेषता है पूर्णमादा पूर्णमिदम पूर्णा पूर्णमुदच्यते, और पूर्ण से पूर्णमादा है, उस पूर्ण परमात्मा से अगर पूरा का पूरा निकाल लिया जाए तो भी पूर्णमेवावशिष्यते, ये गणित है भगवान का, तो भी वहां कुछ कम होने की गुंजाइश तो है नहीं। इसलिए भगवान सुदामा जी को जब तीसरा लोक देने लगे तो भ्रम के कारण ऐसा कहा जाता है कि सत्यभामा जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, महाराज तीनों लोग दे दोगे क्या? तो क्या भगवान के पास केवल तीन लोग ही हैं क्या? अरे ऐसे ऐसे ये जो सात नीचे के लोग, सात ऊपर के लोग, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ऐसे ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब आप जरा विचार कीजिए, जिसके एक एक रोए में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड निवास करते हों, ऐसे भगवान जब किसी को कुछ देते हैं तो वो ये थोड़ी सोचते हैं कि बस इतना ही देना है, वो मांगने वाले को भी देते हैं, न मांगने वाले को भी देते हैं। बस व्यक्ति ये न केना प्युपाय न, श्रीमद भागवत में लिखा है जिस किसी उपाय से वो भगवान से जुड़ जाए, मांग के जुड़े या बिना मांगे जुड़े, दोनों तरह से भगवान अपने भक्त को देना चाहते हैं, सो भरपूर देते हैं। हरिओम। कार्यक्रम का अंतिम प्रश्न है, सद्गुरु की पहचान कैसे हो? आज की परिस्थिति में जिस प्रकार टेलीविजन तथा सोशल मीडिया पर बड़े बड़े तथाकथित गुरु गला फाड़ फाड़ कर मोक्ष मोक्ष चिल्ला रहे हैं, भक्तों की भीड़ है उनके सामने, और वो इस बात का दावा करते हैं कि जो उनके पास आता है वो मुक्त हो जाता है, आम जन अपने कल्याण के लिए किस पथ प्रदर्शक के पास जाए, यह निर्णय वो कैसे ले? शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं अनुराग जी, लक्षणों के आधार पर हम किसी संत की, किसी सदगुरु की परीक्षा नहीं कर सकते। श्री रामचरितमानस में देखिए, श्री भरत जी के बारे में बहुत से लोगों के मन में संदेह हुआ, अयोध्या वासियों के मन में संशय हुआ, चित्रकूट जा रहे थे,
तो केवट के मन में संशय हुआ, फिर लक्ष्मण जी के मन में संशय हुआ, गुरुदेव वशिष्ठ के मन में संशय हुआ। जो सच्चा भक्त है, जो सच्चा गुरु है, उसकी हम परीक्षा नहीं ले सकते, उसे हम पहचान भी नहीं सकते। मैं तो ये कहूंगा कि अगर करना ही है तो शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को आचरण करना चाहिए और शास्त्र को ही अपना गुरु मान लेना चाहिए। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवं दीन बंधु दिन दानी। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि मेरे गुरु भी हैं, माता भी हैं और पिता भी हैं। कौन? भोलेनाथ भगवान शंकर और माता पार्वती। अब देखो इनका आचरण देखो। सो अगर सीखना है तो इनसे सीखिए। धर्म क्या है? भोले बाबा तो धर्म के साक्षात स्वरूप हैं। सो सच्चा गुरु तो परमात्मा है, शरीर गुरु होता नहीं। वेद का एक मंत्र है जिसमें यह कहा गया है आत्मदीपो भव। मनुष्य को स्वयं पात्र बनना है और मनुष्य जब पात्र बन जाता है तो ऐसे पात्र के सामने कोई ना कुछ कोई स्वरूप बना करके वो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं और उसका समर्पण करा लेते हैं। जब तक किसी विशेषता के आधार पर, किसी गुण के आधार पर व्यक्ति को नहीं पहचाना जा सकता है। जैसे राम जी के बारे में, अब अगर राम जी आज के युग में होते तो राम जी को कोई भगवान मानता? एक ओर राम खड़े होते और दूसरी ओर रावण खड़ा होता। तो जितने चमत्कार रावण में हैं, राम जी में उसमें से ऐसा कोई एक भी चमत्कार नहीं है। आज के युग में तो रावण को ही भगवान माना जाता, रावण को ही पूजा जाता, क्योंकि सारा चमत्कार उन्हीं उसी में है। अच्छा, ये जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, रामचरितमानस है, श्रीमद् भागवत है, भगवद गीता है, वेद है, उपनिषद हैं, पुराण हैं, इन ये सब भगवान की वाणी है। तो भगवान को मानने अथवा गुरु को मानने, यही गुरुवाणी है। हमारे यहाँ जो एक धर्म है सिख धर्म, वहां तो गुरुवाणी को ही गुरु माना गया है। जो गुरु ग्रंथ साहब है उसी को गुरु मानते हैं। हम भी अपने इन शास्त्रों को गुरु मान लें और इन शास्त्रों के अनुसार अपना आचरण करें। भगवद गीता में कहा भी गया है ऐसा, ये शास्त्र विधि मुत्सज्य वर्तते कामकारता न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि को छोड़ करके शास्त्र जैसा आचरण करने के लिए कहता है वैसा आचरण नहीं करते, वर्तते कामकारता स्वेच्छाचार करते हैं, जो मन में आता है सो आचरण करते हैं, न स सिद्धिम अवापनोति, ऐसा व्यक्ति कभी सफलता को प्राप्त नहीं करता, न सुखम उसे सुख भी नहीं मिलता, न पराम गतिम और उसे परागति मोक्ष भी नहीं मिलती, उसका कल्याण नहीं होता। सो मनुष्य का आचरण शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। शास्त्र जैसा कहता है, गुरु को अगर हम ये कह दें कि किन्हीं खास लक्षणों के द्वारा हम गुरु को पहचान सकते हैं, किसी खास परीक्षा के माध्यम से हम गुरु को पहचान सकते हैं, तो इसका अर्थ तो ये हो गया कि फिर गुरु हम ही गुरु हो गए। गुरु की परीक्षा नहीं हो सकती और भगवान की भी परीक्षा नहीं हो सकती। जब भगवान के लक्षण नहीं हो सकते तो गुरु के भी कोई लक्षण नहीं हो सकते। एक महापुरुष के लक्षण जो शास्त्रों में बताए गए हैं, अब अगर किसी का आग्रह ही हो कि नहीं नहीं किसी व्यक्ति को तो बताइए, तो जो आचरण शास्त्रों में बताए गए हैं उन आचरणों को देखते हुए, जिसका उन गुणों को देखते हुए जिस व्यक्ति में वो लक्षण दिखाई दें उस व्यक्ति के प्रति, और जिसके, अब हम अगर ये कहें कि कोई ऐसा व्यक्ति भी संसार में है जिसमें कोई दोष नहीं है, तो ये संभव नहीं है। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसमें कोई दोष ना हो, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति में हमें दोष दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि में दोष होगा।
हमारे देखने का जो तरीका है, हमारे देखने का जो नजरिया है, हमारे हमारे पास जो नेत्र हैं, वो नेत्र ही ठीक नहीं है। मुकुर मलिन और नयन विहीना, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि मन का दर्पण है गंदा हमारा, और ज्ञान वैराग्य के नेत्र है नहीं। मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। सो न तो हम राम जी को देख सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं, और न ही गुरु को देख सकते हैं, क्योंकि गुरु में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, भगवान की भक्ति, भगवान का भक्त, स्वयं भगवान और गुरु, ये शब्द चार हैं, इनका अर्थ एक ही है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। सो ये नाम तो चार हैं लेकिन अर्थ एक ही है। ऐसे गुरु के प्रति भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मेरे को सच्चा मार्ग, मेरा मार्गदर्शन कराने के लिए किसी को भेज दो, प्रभु आप आ जाओ मेरे सामने, भाव सागर में डूबते हुए मुझ जीव का उद्धार करो। सो भगवान से प्रार्थना करने के अलावा जीव के पास कोई उपाय नहीं है, कोई साधन नहीं है। साधन से सदगुरु की प्राप्ति नहीं होती, समर्पण से सदगुरु की प्राप्ति होती है, और समर्पण भगवान के प्रति होना चाहिए और अपने को पात्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। हरि ओम। तो इस प्रकार आज के अंक में हमने गुरु जी से 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों के शास्त्र सम्मत उत्तर प्राप्त किए। निश्चित रूप से प्रश्नकर्ताओं को उनके प्रश्नों के समाधान मिल गए होंगे। आगे भी हम इसी तरह गुरु जी से प्रश्नोत्तर अंकों के माध्यम से श्रोताओं की जिज्ञासाओं के समाधान प्राप्त करते रहेंगे। श्रोतागण अपने प्रश्नों को भेजने के लिए कमेंट बॉक्स अथवा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल और व्हाट्सएप नंबरों का प्रयोग कर सकते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत आभार तथा श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले अंक में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।